पूजा मिल गई नहीं रही है, इसका रंग रूप ढंग कुछ नहीं बदला बदला काम। तो भैया हम पहुंच चुके हैं भागलपुर का सबसे फेमस लस्सी वाले के पास। ये भागलपुर में शुभ ऑफर चल रहा है होटल में, काफी अच्छा ऑफर। सामने में दो कपल एकदम भयंकर इस ट्रेन से इतना आदमी उतरा हुआ है, इतना आदमी उतरा हो कि कम से कम 1000-2000 आदमी उतर ही गया होगा इस ट्रेन से। दानापुर इंटरसिटी देख रहे हो भीड़ कितना लगा हुआ है भाई, बताओ इसमें कैसे चल पाएंगे हम। इतना भीड़ में चढ़ेंगे तो इसी में चपा जाएंगे हम। तो हम तो भागलपुर पहुंच ही चुके हैं, यहाँ पर टीटी साहब टिकट चेकिंग कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं एकदम पूरा बढ़िया से। तो भैया भागलपुर स्टेशन के बाहर में वो नया चीज़ भी लगा हुआ है जो कि ये देख लो, भारत का नक्शा, भारत का मैप भी लगा हुआ है स्टेशन के बाहर, जो कि ये देख कर हम काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। यहाँ पर मैं अपना शक्ल देख सकता हूँ आराम से। देखो यार भागलपुर में मेरे को ज़्यादा देर का काम था नहीं, अप्रोक्स 10 मिनट का काम था, जो काम हो चुका है ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता हो सकता है, हल्का मोड़ दिखाया हूँ, उसके बाद चलता हूँ मैं मॉल ठीक है। तो मॉल तो गैस यही है अजंता सिनेमा हॉल ठीक है। लाइफ में अगर पहली बार फिल्म देखे होंगे तो हम इसी में देखे होंगे, यही सिनेमा हॉल में फिल्म देखे हैं जिंदगी। काफ़ी मेहनत करने के बाद हम डी मार्ट पहुँच चुके हैं ठीक है। तो चलो चलते हैं, यहाँ सामान जमा करने वाले कोई है ही नहीं है भैया, आप ही हैं सामान। धन्यवाद चाचा, टी शर्ट लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, ये टी शर्ट थोड़ा प्यारा लग रहा है भाई, इसे पहन के देखूंगा मैं। अच्छा जी बता, ये वाला काम कौन करता है? मॉल में जाकर सेल्फी लेना ट्राई करके ये वाला काम कौन कर करता है तो कॉमेंट करके बता दो यार, आप लोग के लिए कर रहा हूँ ना, तो ये ट्राई करो मतलब कूल लग रहा है भाई। तो भैया भागलपुर आओ और मॉल ना, मॉल आकर के कुछ शॉपिंग ना करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं वो भी ना करूँ मॉल ना जाऊँ, पापा बोलते बोलते परेशान रहते, भागलपुर गया तो बेटा सामान लेकर नहीं आना, कुछ मॉल से कपड़ा नहीं आना चाहिए। लेकिन आप लोग देखिए ये आंटी चाय बेच रही है अकेले अकेले, बताइए यार। आप लोग सोच रहे हो राजीव भाई ये पीछे कहाँ पहुँच गए, कौन सा जगह? तो भाई ये बता देता हूँ, ये है भागलपुर का घंटाघर ठीक है, जो कि स्मार्ट सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध अक्षरों में, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा भागलपुर स्मार्ट सिटी। बट लेकिन स्मार्ट बोल के भागलपुर में ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है, बट लेकिन स्मार्ट सिटी से कहला गया है। हमारे सामने में दो कपल एकदम, जिस तरीके से भागलपुर में घंटाघर फेमस है, साहा मार्केट फेमस है, उसी तरह भागलपुर में एक और जगह फेमस है जिसका नाम है मनाली, काफ़ी प्रचलित काफ़ी फेमस वहाँ पर। मनाली का नाम, मनाली में एक कॉलेज है सुंदरवती महिला कॉलेज, एसएन कॉलेज। तो आइए आज हम आपको भागलपुर का घंटाघर घुमाते हैं जो कि काफ़ी फेमस है। इधर है मंदिर जो कि आप लोग को ये दिख रहा होगा, इसे हम लोग वाइड एंगल में कर देते हैं ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला है इस जगह का, जो कि आप लोग देख लो। इधर काफ़ी सस्ते सस्ते लेडीज के कपड़े मिलते हैं ठीक है, और काफ़ी महिलाएँ आके कपड़े लेती है यहाँ पे, जो कि आप लोग देख रहे हो काफ़ी। तो भैया जिसकी जिसकी गर्लफ्रेंड है यहाँ से आके अपने लिए कपड़े ले लो, सस्ते में लिप पड़ जाओगे, मॉल का चक्कर लगाए बाबू भैया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। सकते इस अंकल को अभी भी ऊन बेच रहे हैं लेकिन ठंडा खत्म हो गया, बताओ यार। ऊन सब दिन बिकता है, ऊन सब दिन बिकता है, चलिए बढ़िया है बता दिए ठीक है। देखिए अंकल जी बता रहे हैं ऊन सब दिन बेचता है, सस्तो पियो पेड़ भर के चलते बनो। देख लो भाई उतना दिन से भागलपुर घूम रहे थे लेकिन सदर अस्पताल पता नहीं था, सदर अस्पताल कहाँ है अभी जाकर पता चल रहा है कि सदर अस्पताल यही है ठीक है। तो भगवान ना करे किसी को आने के इस अस्पताल में नौबत पड़े, लेकिन जिसको नौबत पड़ रहा है जिसके ऊपर हो रहा है तो यहाँ बता दिया यहाँ पर आ सकते हो ठीक है। तो चलो चलते हैं भाई, अलग ही मज़ा आ रहा है भाई इधर भागलपुर घूमने में बैंक का। जिसके जिसके बच्चे हो गए हैं, शादी ब्याह कर लिए होंगे, वैलेंटाइन बच्चे होने वाले होंगे, यहाँ से अपना लेके चल जाओ बच्चे के लिए मुसहरी, काफ़ी काम आएगी, ये डिस्टर्ब नहीं होंगे। और यहाँ पे सस्ती में किताबें ही मिलती हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे कृपया करके आके यहाँ से बुक लेके जाएं ठीक है, पढ़ाई लिखाई करें, IAS बने, हम लोग तो भाई ब्लॉगर बन चुके हैं ठीक है। यहाँ पे रोज़ डे भाई, रोज़ डे ख़त्म हो गया लेकिन अभी भी रोज़ मिल रहा है, एक भी हमको कपल नहीं दिखा अभी तक, लेकिन रोज़ ज़रूर दिख रहा है भाई यहाँ पे ठीक है, काफ़ी सारे रोज़ रखा हुआ है यहाँ पे ठीक है। तो रोज़ ले लो अपने अपने गर्लफ्रेंड को दे दो। सारे एम बाज़ार में घूमने क्या करो, घूमना पड़ता है भाई, भागलपुर आए हो ना, घूमो घूमो फिरो खाओ पियो मस्ती करो, जिंदगी में और क्या है ठीक है। तो ये है एम बाज़ार कुछ इस तरीके से है, ये कुछ नया चीज़ देखने को मिला है मुझे जो कि 40 रुपये मात्र दाम है एक गिलास का, इसमें पाइप लगा हुआ है, यानी बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाई यार।
जो बच्चे पाइप से पीना चाहते हैं उसको ये दो, ठीक है, ये बाजार में मिल रहा है भागलपुर का, आके ले लो, देख रहे हो। आज से कुछ साल पहले जब मैं आता था तो ये वाला डोर जो है, ठीक है, आदमी यहाँ आता था तो ये खुल जाता था और बाहर निकला था ये बंद हो जाता था भाई, इस टाइप का सीन था, बट ऐसा खत्म हो गया भाई। आप लोग ये देख लो चर्च, ये भागलपुर का चर्च है, काफी खूबसूरत है यार, काफी खूबसूरत, अंदर जाओगे तो अलग ही मजा आने वाला आप लोगों। भाई पीछे में एक होटल दिख रहा होगा हमको, राजहंस, आप लोग को दिख रहा होगा राजहंस होटल, ये बिहार का टॉप नंबर वन होटल है, ठीक है, एक नंबर है भागलपुर का टॉप आता है ये होटल। और ये चर्च देख लो भाई, काफी खूबसूरत चर्च है, इसमें जाया करते थे बताए कब, जब 11-12 में थे ना यहाँ बाहर में रहते थे तो वहाँ जाया करते थे, यहाँ आते थे घूमने के लिए, काफी मजा आता था। तो भैया हम आ चुके हैं साहा मार्केट, ठीक है, साहा मार्केट अभी मैं खलीफा बाग चौक से स्टार्ट कर रहा हूँ और स्टेशन तक आप लोगों को लेके चलूंगा, ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहना। ये साहा मार्केट है भाई, यहाँ पे काफी सारे खाने पीने से लेकर आपको पहनने से लेकर गाड़ी से लेकर मोबाइल का हर एक सामान मिलते हैं यहाँ पे, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारे, इसमें शादी ब्याह के सामान अन्य सामान यहाँ मिलते हैं, ठीक है, देख लो घड़ी, ठीक है, आपको तरह तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे दिखलाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, आप लोगों को मजा आने वाला था मार्केट का, पूरा ब्लॉग इन्जॉय करने वाले हो। यहाँ पे देख लो गर्लफ्रेंड के लिए जूती लेके चल जाओ भाई, यहाँ पे देख लो ऑफर में बैग मिल रहा है, जिसका जिसका गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है भाई अपने के लिए लेके चल जाओ, हम सिंगल लौंडे हैं, हम अकेले ही घूमेंगे, अकेले ही मस्ती करेंगे, ठीक है, अन्यथा टेंशन आप लोग ना करें, हमारी चिंता ना करें, हमें कोई ना कोई बातें मिल ही जाएगी, ठीक है, जो काम से आए हुए थे वो काम वहाँ पर मैंने सामान दिया हुआ था वो सामान ले लूँ, काश हमारी मेहरारू होती तो हम उसको ज़रूर ये वाला ड्रेसवा दिलाते, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन क्या करें अफसोस भैया हमारी मेहरारू है नहीं, ठीक है, आप ले लो, ये भागलपुर में शुभ ऑफर चल रहा है होटल में, काफ़ी अच्छा ऑफर, जो कि यहाँ पे देख लो हमारे सामने दिख रहा, ठीक है, हमको नहीं पता था कि भागलपुर में भी ओयो खुल चुका है, यहाँ भी खुल चुका है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जितना मन चाहे आ जाओ, ऑफर में एकदम 50% डिस्काउंट मेरा नाम लेने के बाद, मजाक कर रहे हैं, सच मत ले, दिल पर मत ले लीजिए, ठीक है, काफ़ी लोग गुपचुप खा रहे हैं। ये हो प्रिया, पूजा, ओ पूजा कहाँ पे हो, ठीक है, पूजा को हम ढूंढ रहे हैं, पूजा मिल ही नहीं रही है, क्या करें भैया, अकेले यहाँ ब्लॉग बना रहे हैं, भागलपुर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अकेले ज़िंदगी काट रहे हैं, तो ये काफ़ी लोग हमको देख देख कर हंस भी रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन क्या बताएं, अभी तो पता नहीं चलेगा, जब हम कुछ हो जाएंगे, कुछ मुकाम पा जाएंगे आप लोग की दुआ से, ठीक है, तब तो फिर सब ताली ही बजाएगा। तो भैया हम पहुँच चुके हैं भागलपुर का सबसे फेमस लस्सी वाले के पास, ठीक है, जो कि शाम मार्केट स्टेशन के सामने जो रास्ता है वैरायटी चौक के पास, वहीं पे जस्ट ये मंदिर के सामने में ये लस्सी दुकान है, ठीक है, जो कि भागलपुर का सबसे फेमस यही लस्सी मिलता है, हालांकि जब भी मैं आता हूँ यहाँ जरूर पीता हूँ, तो क्यों ना आज ही पिया जाए आप लोग के सामने। अंकल वो आप जा वो याद ये, तो ये देख लो यार अंकल, इसका प्राइस कितना, 40 रुपया में भाई यार, आओ गर्मी का मौसम आ चुका है, मन भर के लस्सी पियो, हाँ लस्सी पीकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ऐसा नहीं कि लस्सी पीकर घर चला जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, काफ़ी टेस्टी लगता है। अरे मेरे यहाँ तो ये आ गया मेरा तंदूरी रोटी, तो हम खा ही ले रहे हैं, तो मिलते हैं आप लोग से। तो भैया खाना वाना खा के निकल चुका है, ये था अंबर होटल, इसका रंग रूप ढंग कुछ नहीं बदला, बदला तो दाम, और खाना में टेस्ट बिल्कुल सेम था, थोड़ा बहुत अंतर हो गया था, तो चलो मेरा ट्रेन का टाइम हो गया, 5 मिनट गुना भाई, तो मैं ट्रेन में बैठ करके आप लोग से मिलता हूँ, तो चलो। तो ट्रेन जो है हमारा भागलपुर स्टेशन से खुल चुका है और ये मुझे सीट मिल गया भाई, जो हुआ मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था, क्योंकि दो क्रेजी फैन, ये कहाँ से है ये भी बताऊंगा और ये भाई के बारे में बताऊंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो।